दोस्तों हर इंसान सुबह उठने से लेकर रात को सोने जाने तक न जाने कितने काम करता है, लेकिन आप अपने सारे कामों को सही तरीके से करते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने 80% कामों को गलत तरीके से करते हैं तो जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन में आज तक कई कामों को गलत तरीके से करते हुए चले आ रहे हैं। असलियत में उन्हें करने का तरीका वो नहीं जैसे हम उन्हें करते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम उन 10 गलतियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप शायद रोज करते होंगे। दोस्तों नहाना किसे नहीं पसंद होता है, और जब हम नहाने बैठते हैं तो साबुन तो लगाएंगे ही, लेकिन बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब भी वो नहाने बैठते हैं तो शरीर पर बहुत सारा साबुन लगा लेते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी त्वचा अंदर से ड्राई होना शुरू हो जाती है। ज्यादा मात्रा में सोप यूज करना हमारे बॉडी के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी लोग रोज नहाते हो, लेकिन टूथब्रश तो सभी लोग करते होंगे, और टूथब्रश करते समय 70% लोग ये गलती जरूर करते हैं कि वो बहुत सारा टूथपेस्ट ब्रश पर लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा टूथपेस्ट वो लगाएंगे उतने ज्यादा उनके टीथ क्लीन होंगे। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अधिकतर टूथपेस्ट में प्रोपाइलीन ग्लाइकोन जैसे केमिकल का यूज किया जाता है। इसीलिए अगर आप ज्यादा टूथपेस्ट लगाकर ब्रश करते हैं तो आपके दांत पतले होते चले जाते हैं, और इससे आपके मसूड़ों में भी तकलीफ शुरू हो जाती है। इसी वजह से रोज ब्रश करने के बावजूद भी कभी कभी हमारे मसूड़े दर्द करते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ठंडा पानी पीने की आदत होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ्रिज का ठंडा पानी पीने से आपके शरीर की 72% कैलोरीज बर्न हो जाती है। दरअसल जब आप ठंडा पानी पीते हो तो शरीर को उसे वापस गर्म करना पड़ता है, और ठंडे पानी को गर्म करके उसे नॉर्मल टेम्परेचर तक लाने में हमारे शरीर की काफी कैलोरी खर्च हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर किसी भी चीज को पचाने के लिए उसे उसके नॉर्मल टेम्परेचर में लाता है। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप जिस भी चीज को खाए वो ना तो ज्यादा ठंडा हो ना ही ज्यादा गर्म हो। दोस्तों आयुर्वेद में कहा गया है कि पेट से ही सारी बीमारियों का जन्म होता है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद डाइजेस्टिव जूस हमारे खाने को पचाने का काम करता है। अगर हम खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो डाइजेस्टिव जूस पतला हो जाता है, जिससे भोजन को पचाने में देर लगती है, और ज्यादा देरी के कारण पेट में पड़ा भोजन सड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें गैस, बदहजमी और इन्फेक्शन जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों 90% से भी ज्यादा लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने डेली लाइफ में रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे मोबाइल, टीवी, रिमोट में 1 करोड़ से भी ज्यादा माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, जो अगर आपकी बॉडी में एंटर हो जाए तो आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर बना सकते हैं। इसीलिए आपको खासकर अपने मोबाइल को टाइम टू टाइम सैनिटाइज करते रहना चाहिए। दोस्तों हम में से कई लोग सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, जिसके लिए हम कई बार अलार्म लगा के सोते हैं, लेकिन सुबह जैसे ही अलार्म बजता है तो हम उसे बंद कर देते हैं और दोबारा सो जाते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि अलार्म से हमारी नींद खुल जाती है और हम उसके ठीक बाद फिर से सो जाते हैं। पर ऐसा करने से हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण हम सुबह जल्दी उठे ना उठे लेकिन दिन भर हमें आलस जरूर आता है, और बीच बीच में सोने का मन भी करता है। इसीलिए या तो पहली बार में ही उठ जाए या फिर अलार्म ना लगाए। दोस्तों आपको ये जानकर शायद थोड़ी सी हैरानी होगी, लेकिन बहुत सारे लोग ढंग से सांस नहीं ले पाते हैं। सांस लेने के नाम पर उनके कंधे ऊपर नीचे होते हैं, ऑक्सीजन उनके पेट तक पहुंच ही नहीं पाती है, और ऑक्सीजन सही से ना पहुंच पाने के कारण ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें थकान महसूस होती है। सही तरीके से सांस लेने के लिए आपको डीप ब्रीथिंग यूज करनी चाहिए। अगर आप सही तरीके से ब्रश करते हो तो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होता है, जिससे आप दिन भर एनर्जेटिक रहते हो। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सोने जाने से पहले मोबाइल फोन का यूज आपकी स्लीप साइकिल को इफेक्ट करता है। जब आप रात में सोने से ठीक पहले अपने मोबाइल को यूज कर रहे होते हो तो उससे निकलने वाले ब्लू रेज आपकी आंखों के साथ साथ आपके दिमाग में रिलीज हो रहे केमिकल मेलाटोनिन को भी अफेक्ट करता है। ये वही केमिकल है जिससे आपको नींद आती है, और ब्लू रेज से इफेक्ट होने की वजह से इसकी मात्रा में गिरावट होने लगती है, जिसके कारण आपको सोने में तकलीफ होती है, जल्दी नींद नहीं आती है। बहुत सारे लोग अपने कानों को साफ करने के लिए कॉटन दबास का यूज करते हैं। अपने कानों को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा कॉटन दबास का यूज आपके कानों को डैमेज कर सकता है, क्योंकि कॉटन दबास का यूज करके आप कानों में जो गंदगी मौजूद है उसे कहीं ना कहीं और अंदर पुश करते हो। दोस्तों आज के वक्त में ज्यादातर लोग अपने कामों को बैठ कर करते हैं, लोग दिन भर बैठे रहते हैं, जिसके चलते उन्हें कभी ना कभी बैक पेन और तरह तरह के बॉडी पेन का सामना करना पड़ता है। काफी देर तक एक जगह बैठे रहना आपके लिए काफी पेनफुल साबित हो सकता है। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आप काफी देर से बैठे हैं तो थोड़ी देर उठ के वॉक जरूर कीजिए। और इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए हमारे शॉर्ट्स और वीडियोस देखते रहे और नॉलेज कंज्यूम करते रहे।